गोरखनाथ मंदिर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में जो है कई नए खुलासे जो होते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं नहीं, देखो ये तो सीधे सीधे एक तरीके से आतंकवादी हमला है और एक हमें लगता है कि एक तरीके से थाल ली गई है। हम लोगों की बात हमें कहें, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जिस प्रकार से कि जहाँ कहीं के ऊपर डकैती पड़नी होती थी तो उसके बाद में उससे पहले ही लोग आकर एक आध महीना पहले उनके लोग आते थे, किसी प्रकार से चक्कर लगाकर बैठ जाते थे। कहीं ना कहीं कोई बड़े हमले की एक अंदेशा है, एक बात। दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि आखिर इस प्रकार का जहर कहाँ से आ रहा है, इस जहर की उत्पत्ति क्या है। समय आ गया है इस जहर की उत्पत्ति की पहचान हमें करनी होगी और जहाँ से भी जहर ये आ रहा है उसका रास्ता हर तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें लिप्त हैं लगातार एजेंसियाँ अपनी काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वो पक्ष ले रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मुद्दे तो मानसिक रूप से कमजोर है इसलिए उसने सारी घटना पर ध्यान दिया। देखो, मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो उसने किसी मस्जिद पर जाकर हमला क्यों नहीं कर दिया? एक सोची समझे रणनीति के तहत एक वो एक हमारे हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा केंद्र और उसमें भी एक हमारे जो उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जहाँ के ऊपर निवास केंद्र भी है, तो वो कुल मिलाकर उसके ऊपर हमला करना आखिर क्या दर्शाता है? आखिर ये इसके मतलब उसके प्रति कितनी घृणा है उसके मन में? तो घृणा है, ये घृणा कहाँ से आई और किस योजना के तहत आई और आखिर कैसे वो यहाँ के ऊपर पहुँचा? तो इसके पीछे बहुत सा जांच के विषय हैं, जांच हो रही है, तो जब कुछ स्पष्ट होगा जो भी आगे आएगा। इसी मामले में एक सोशल मीडिया से योगी आदित्यनाथ को धमकी भी मिली थी, अदालत ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाई गई है, इसको आप किस तरह से? देखो, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, हमारे जितने भी नेता जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं निशाने पर आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो कश्मीर में जो कुछ भी घटा, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से सारे देश ने देखा, तो वहाँ के ऊपर जो भी वहाँ पर हिंदू लीडर थे या राष्ट्रवादी नेता जो भी थे तो उनकी भी छोटा से चुन चुन कर हत्या की गई। तो कुल मिलाकर यहाँ के ऊपर भी जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं तो वो कहीं ना कहीं निशाने पर तो हैं, दुनिया के निशाने पर हैं। तो योगी जी को विशेष इधर चूंकि उनकी एक विवाह शैली के आधार पर जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को लागू किया है, तो तमाम सारे अपराधी ऐसे हैं जो उनसे कहीं ना कहीं उनसे उन्हें थ्रेट है। आखिरी सवाल मेरा लगा, एएमयू के प्रोफेसर ने देवी देवताओं पर एक लेख लिखा, अभी वो विवादित हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कहीं ना देवी देवताओं का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को प्रार्थना। देखो, कुल मिलाकर इस देश में ये जो जिस प्रकार से वामपंथी और खासकर ये शिक्षा में जो इस्लामीकरण की जो दोनों चीज़ें जो हुई हैं, इसने कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को प्रभावित किया। जिस प्रकार से मैंने देखा कि पिछले दिनों धर्मांतरण का भी बड़ा जो गैंग है उसका खुलासा हुआ था, तो कुल मिलाकर जाकिर नाइक जैसे लोग इस देश में किस प्रकार का जहर कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि किसकी मानसिकता कहाँ के ऊपर बदल जाए उस प्रकार से। लेकिन ये बहुत निंदनीय है, अब धीरे धीरे समाज जग रहा है, वैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। R9 के लिए दीपक कुशवाहा।